हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की मूवी का नाम है लेट ऑफ द नाइट। ये मूवी 1986 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की बहुत सारे आदमियों के साथ इंटीमेट होती है, जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ तक उसका पति भी उसे छोड़कर चला जाता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी और एक औरत कार में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। इस लड़की का नाम सिमोना है, जो अपने बॉयफ्रेंड मार्को के साथ है। इसके बाद ये मूवी 3 साल आगे चली जाती है, जहां सिमोना और मार्को की शादी हो चुकी है। सुबह के वक्त ये सिमोना तैयार हो रही होती है। वो लड़कियों को एरोबिक सिखाती है। क्लास के बाद वो बहुत थक जाती है तो कैंटीन चली जाती है कुछ खाने के लिए। जब वो वापस आ रही होती है तो पेड़ के पीछे एक आदमी और एक औरत किस कर रहे होते हैं, और बाद में वो वहीं पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वो उन्हें देखकर अपने पति को मिस करने लगती है और एक्साइटेड हो जाती है। जल्दी जल्दी घर जाती है और रात के डिनर की तैयारी करती है। अपने पति के लिए एक कैंडल लाइट डिनर तैयार करती है और बहुत खूबसूरत सी ड्रेस पहनती है। जब मार्को ऑफिस से घर आता है, सब कुछ देख कर काफी खुश होता है। सिमोना उसे टेबल की तरफ ले जाती है, जो उसने बालकनी में सजाई होती है। सिमोना को देखकर मार्को बोला, यू लुक गॉर्जियस स्वीटहार्ट, और वो दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। तभी अचानक बारिश होने लगी। मार्को अंदर चला जाता है, जबकि सिमोना डिनर भीगने से बचाने लगती है। जब वो अंदर आती है, वो पूरी तरह भीगी हुई थी। मार्को उसे देखता है। सिमोना अपने कपड़े उतारने लगती है, फिर मार्को की तरफ बढ़ती है। मार्को उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं और बाद में इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह सिमोना अपने डॉगी को घुमाने बाहर ले जाती है, जहां पर वो अपनी दोस्त मरीशा से मिलती है। मरीशा भी उसी होटल में रहती है जहां मार्को और सिमोना रहते हैं। थोड़ी देर बाद सिमोना अपनी एरोबिक्स क्लास के लिए चली जाती है। शाम को मार्को सिमोना को फोन करता है और कहता है, शाम को हमें पार्टी में जाना है। पार्टी से आने के बाद वो दोनों बहुत थक जाते हैं। सिमोना कहती है, डॉगी को घुमाने ले जाओ। मार्को कहता है, आज इसे टहलाने की बारी तुम्हारी है। सिमोना डॉगी को टहलाने बाहर जाती है। उसे मरीशा दिखती है, जो किसी के साथ कार में इंटीमेट हो रही होती है। वो सिमोना को देखकर जल्दी से कपड़े पहनती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ पर वो आदमी बहुत गुस्सा होता है। वो कार से उतरता है। सिमोना होटल के अंदर भाग जाती है और छुप जाती है। वो आदमी भी अंदर आ जाता है और सिमोना के साथ उसी जगह पर जबरदस्ती इंटीमेट होता है और चला जाता है। सिमोना कमरे में जाती है। मार्को फुटबॉल मैच देख रहा होता है। वो मार्को को कुछ भी नहीं बताती और सो जाती है। नेक्स्ट डे वो अपनी एरोबिक्स क्लास लेने चली जाती है। उसका मूड बहुत खराब होता है। उसकी दोस्त जूलियाना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी फाइट चल रही है। वो कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम को सिमोना मार्को के साथ जंगल घूमने जाती है। वो मार्को से कहती है कि क्या हम दोनों कार में ही इंटीमेट हो सकते हैं, जैसे कि हम पहले होते थे। मार्को मना कर देता और कहता है, ये सब हम लोग घर चलकर करेंगे। सिमोना काफी नाराज हो जाती है। सिमोना के साथ जब उस लड़के ने जबरदस्ती करी होती है, तब से सिमोना के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स काफी बढ़ जाती है। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहां पर सिमोना मार्को की बातों से बोर हो चुकी थी। वहीं पर उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। कुछ देर बाद मार्को रेसिंग देखने बाहर चला जाता है। सिमोना यहां उसी लड़के की तरफ नजर लगाए होती है। कुछ देर बाद दोनों बाथरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे एरोबिक्स क्लास में कुछ फोटोग्राफर्स आ जाते हैं, जो सिमोना की कुछ वीडियो अपने ऐड के लिए शूट करते हैं। उस कैमरेमैन का लीडर रोसाटी सिमोना की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और सिमोना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमोना वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद फिर से रोसाटी सिमोना से बात करने की कोशिश करता है, उसका पीछा करता है। सिमोना घर चली जाती है और मार्को को बेड की तरफ ले जाती है और पहले उसके कपड़े उतारती है, फिर अपने। वो मार्को के ऊपर बैठ जाती है, उसे किस करने लगती है, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे रोसाटी फिर से होटल जाता है, सिमोना से मिलने की कोशिश करता है। वो मना कर देती है। शाम को मार्को कहता है, आज मेरा दोस्त अपनी वाइफ के साथ डिनर पर आने वाला है, हम सब रेस्टोरेंट चलेंगे। उसका नाम रोसाटी है। कुछ दिनों पहले वो एक शूटिंग साइट पर मिला था। ये सुनकर सिमोना परेशान हो जाती है।
रात को सॉटी अपनी वाइफ के साथ आता है, जहां मौका पाकर वो सिमोना को सिड्यूस करने की कोशिश करता है। थोड़े टाइम बाद वो सब लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। दोसार्टी की वाइफ की तबीयत कुछ खराब होती है, इसलिए मार्को उसके लिए कॉफी मंगवाता है। दूसरी तरफ सिमोना बाहर घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद रोसार्टी भी कुछ बहाना बनाकर सिमोना के पीछे चला जाता है। सिमोना अकेले होती है। रोसार्टी फोर्सफुली सिमोना के साथ इंटीमेट होता है। ये सब मार्को देख लेता है और रोसार्टी को खूब मारता है और सिमोना को छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सिमोना की दो जूलियाना कुछ सामान के साथ दिखाई देती है। सिमोना अब जूलियाना के साथ रहती है। जूलियाना सिमोना को बहुत समझाती है, जो मार्को के लिए हमेशा उदास रहती है। कुछ दिनों बाद सिमोना जूलियाना के कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली जाती है, लेकिन उसको मार्को की बहुत याद आ रही होती है। सिमोना मार्को के पास माफी मांगने जाती है। यहाँ मार्को किसी लड़की के साथ फिजिकल हो रहा होता है। वो सिमोना की दोस्त मरीशा थी। ये सब देखने के बाद सिमोना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद मार्को भी सिमोना को मिस करने लगता है। वो सिमोना से माफी मांगता है। सिमोना कहती है अब तुम मरीशा के साथ ही रहना चाहिए। मार्को वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सिमोना अपनी क्लास के बाद जूलियाना के घर चली जाती है। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय एक आदमी सिमोना के पीछे पीछे भागने लगता है। वहाँ कोई नहीं होता। वो आदमी जबरदस्ती सिमोना के साथ इंटीमेट होता है और वहाँ से चला जाता है। सिमोना वहीं बैठकर रोने लगती है। उसकी नजर वहीं पड़े ब्रेसलेट पर पड़ती है, जो मार्को का होता है। वो समझ जाती है और वापस मार्को के पास चली जाती है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और कैंडल लाइट डिनर करते हैं। मूवी की आखिरी सीन में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी से यही सीखने को मिलता है कि बाहर की बिरयानी खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए घर की खिचड़ी को ही पापड़, अचार और रायते के साथ टेस्टी बनाकर खाओ। अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस इसी तरह से देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। टाटा।